Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get all the latest updates from Malik Gilani. अस्सलाम वालेकुम भाई भाभियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक अनबॉक्सिंग और एक कम्प्रिहेंसिव रिव्यू एक लैपटॉप का जो आता है ASUS की तरफ से, जिसका नाम है ASUS ZenBook Duo 14 UX482। ये लैपटॉप बहुत ही यूनिक है क्योंकि आता है डुअल स्क्रीन के साथ। इससे पहले आपने इस तरह का कोई लैपटॉप नहीं देखा होगा और इस लैपटॉप को पास्ट ईयर में इसकी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी अवार्ड्स भी दिए गए थे। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और रिव्यू देखते हैं। ओके, तो मेन बॉक्स के ऊपर हमें लिखा मिल जाता है इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल, और वाकई में ये लैपटॉप एक इनक्रेडिबल चीज़ है। सो लेट्स सी द बॉक्स। बॉक्स के साइड पे हमें मॉडल नंबर और सीरियल नंबर वगैरह मिल जाते हैं। कुछ स्पेसिफिकेशंस भी बॉक्स पर मेंशन्ड है। नाउ लेट्स ओपन दिस मेन बॉक्स। और इस बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले हमें देखने मिल जाती है एक लैपटॉप स्लीव। इसे हम साइड में रखते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स में और क्या मिलता है। तो बॉक्स में एक और बॉक्स, ये वो बॉक्स है जिसके अंदर लैपटॉप है, इसे भी हम साइड में रखते हैं। अब हम चेक करते हैं स्लीव को। बहुत ही प्रीमियम फिनिश और लुक है स्लीव का, सैटिन जैसा एक मटेरियल है। स्लीव पर फ्रंट पर ASUS की ब्रांडिंग हमें देखने मिल जाती है। फ्रॉम द स्टिचिंग टू फाइनल मटेरियल दिस लुक्स very premium. पाउच खोलते ही हमें एक लूप मिल जाता है जिसमें आप अपना स्टाइलस जो है उसे कैरी कर सकते हैं, और ये आपके स्टाइलस को बड़ा प्रोटेक्टेड रखता है। इसके साथ हमें मिल जाता है ये वारंटी कार्ड, जो कि टेक्सरात की तरफ से ऑफिशियल वारंटी में आता है पाकिस्तान में। लेट्स ओपन द बॉक्स जिसके अंदर लैपटॉप मौजूद है। हाँ, हमारा ASUS ZenBook Duo 14। इसके ऊपर कुछ की स्पेसिफिकेशंस और इसके कुछ मेन फीचर्स मेंशन्ड है। इसे हम साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में और क्या हमें मिल जाता है। सबसे पहले हमें मिल जाता है कुछ पेपर वर्क और इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स। जाता है इसमें एक स्टाइलस जो कि बैटरी ऑपरेटेड है। बहुत अच्छी बात है कि ASUS ने इस बात का ख्याल रखा है और स्टाइलस को पैकेज के अंदर इंक्लूड किया है। इसके अलावा हमें एक मिल जाता है स्टैंड, जो कि लैपटॉप के नीचे आप पेस कर सकते हैं। ASUS इसे एर्गोलिफ्ट स्टैंड का नाम देता है।
साथ ही हमें इसमें मिल जाता है एक 65 वाट का चार्जर जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये चार्जर टाइप सी बेस्ड है। ओके, तो क्वालिटी इस लैपटॉप की बहुत ही प्रीमियम है। मेटालिक फिनिश है, मटेरियल बहुत अच्छा है लैपटॉप का, लेकिन फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। तो इस वक्त मेरे पास जो वेरिएंट मौजूद है ये है इंटेल 11 जेन कोर i7 1165G7 टाइगर लेक 12 MB L3 कैशे के साथ आता है। ये 2.8 GHz की टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है जो कि 4.7 GHz तक क्लॉक किया जा सकता है। इसमें 4 कोर और 8 थ्रेड्स होते हैं। ये लैपटॉप 16 GB LPDDR4X रैम के साथ आता है। इसमें 1 TB M2 PCI Express 3.0 SSD लगाई गई है। और लैपटॉप खोलते ही हमें इसका सबसे बड़ा फीचर देखने को मिल जाता है जो कि है स्क्रीन पैड प्लस। बेसिकली इसमें दो स्क्रीन्स यूज़ की गई हैं, एक 14 इंच की स्क्रीन है और दूसरी 12.5 इंच की स्क्रीन है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इस लैपटॉप में 93% का है और ये पेंटोन वैलिडेटेड है, जिसका मतलब है कि इसमें आप कलर करेक्शन जैसे काम जो है वो भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये IPS पैनल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ आता है जो कि ब्लू लाइट जो आपकी आइज को हर्ट कर सकती हैं उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है और आपकी आइज जो है उसको प्रोटेक्टेड रखता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफ़ी कम है जो कि 93% है, बट इसके बावजूद इसके अंदर एक HD कैमरा दिया गया है जो कि IR ब्लास्टर के साथ आता है जो विंडोज़ हेलो को सपोर्ट करता है। विंडोज़ की अनलॉकिंग इस सिस्टम में बहुत ही फास्ट है। विद इन सेकेंड्स ये आपके फेस को रिकग्नाइज करता है और सिस्टम को अनलॉक कर देता है। ASUS इसके साथ आपको एक स्टाइलस भी देता है जो कि अपर स्क्रीन और स्क्रीन पैड प्लस दोनों के लिए यूजेबल है। पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर लेफ्ट साइड पे आपको दो थंडरबोल्ट 4 की पोर्ट्स मिल जाती हैं जिसको आप दोनों पोर्ट्स से आप अपने लैपटॉप को पावर दे सकते हैं। इसके अलावा एक HDMI पोर्ट मिल जाती है। HDMI जो है उसमें 1.4 आपको मिल जाती है। अगर हम राइट साइड पर देखें तो हमें मिल जाती है सबसे पहले USB 3.2 Gen 1 की पोर्ट। इसके बाद हमें मिल जाती है एक ऑडियो की कॉम्बो पोर्ट, 3.5 mm की कॉम्बो पोर्ट जिसमें आप माइक और हेडफोन दोनों ही लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको मिल जाती है एक माइक्रो SD कार्ड की स्लॉट। इसके अलावा आपको इसके अंदर चार्जिंग के इंडिकेटर मिल जाते हैं। इसके अंदर डेडिकेटेड जो है ग्राफिक कार्ड भी दिया गया है जो कि है 2 GB का, जो है NVIDIA GeForce MX 450। आप कह सकते हैं कि NVIDIA के जो दूसरे डेस्कटॉप सिस्टम्स में 1050 या 1060 जो कार्ड आते हैं उसके बराबर की आपको परफॉर्मेंस दे देता है। इसका जो कलर है वो सेलेस्टियल ब्लू है और इसके साथ ये लैपटॉप स्लीव भी जो है इंक्लूडेड आती है और ये लोकली 2 साल की वारंटी के साथ आता है पाकिस्तान। नोटबुक चेक पर ASUS ZenBook Duo 14 को 85% दिए गए हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ये लैपटॉप मल्टीटास्कर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल लैपटॉप है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक 3D एनिमेटर हूँ प्रोफेशन और साथ साथ में मैं पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी करता हूँ, जैसे एडिटिंग और कंपोजिटिंग वगैरह थोड़ी बहुत। तो उसमें आपका जो स्क्रीन पैड प्लस है उसके अंदर आप अपने पैनल्स जो हैं उसको सेपरेट रख सकते हैं, अपने टाइमलाइन को आप नीचे रख सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। अगर आप 3D एनिमेशन भी करते हैं तो उसके अंदर आप अपनी पूरी टाइमलाइन को नीचे ले आ सकते हैं, अपना ग्राफ एडिटर नीचे ले आ सकते हैं और या फिर अपने कैमरे के टियर ऑफ करके नीचे ला सकते हैं जो आपको एनिमेशन करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, आपको काफ़ी टाइम सेव कर देते हैं। पिछले जनरेशन के मुकाबले में ये वाली जो जनरेशन है ZenBook Duo 14 की, इसके अंदर एर्गो लिफ्ट जो है उसको एम्बेड किया गया है स्क्रीन प्लेट प्लस के साथ, जो कि आपकी स्क्रीन की कूलिंग और आपके जो ओवरऑल सिस्टम की कूलिंग है उसको 49% तक इंक्रीज़ कर देती है, जिससे आपके थर्मल्स बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करते हैं और आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। स्क्रीन पैड प्लस के नीचे डुअल फैंस दिए गए हैं जो कि आपके कूलिंग के प्रोसेस को और अच्छा बना देते हैं। ये लैपटॉप 70 वाट आर बैटरी के साथ आता है जो कि बहुत अच्छी बैटरी है। ASUS क्लेम करता है कि इस में फुल चार्ज से ऑलमोस्ट 14 to 15 hours ले सकते हैं, बट ऑफकोर्स ये आइडियल सिचुएशन में आइडियल कंडीशन में होता है। आपको हर वक्त इतनी अच्छी बैटरी नहीं मिलती। अगर आप परफॉर्मेंस बूस्ट मोड पे रख के इसे यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपको इतनी अच्छी बैटरी लाइफ नहीं मिलेगी, बट मेरे यूजेज में अगर मैंने इसको मीडियम परफॉर्मेंस पे यूज़ करा है तो मुझे ऑलमोस्ट 6 hours तो ये दे चुका है। और अगर मैं इसको लोएस्ट सेटिंग पे रख के यूज़ करूँगा तो
आराम से ये 10 घंटे तक दे दे। ये लैपटॉप जो है बहुत ही थिन है, 16.9 mm थिन है और इसका वेट सिर्फ और सिर्फ 1.6 kg है। ASUS ने सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, अपने इस लैपटॉप की जो ये सेकंड जनरेशन है इसमें सॉफ्टवेयर पे भी बहुत काम किया है और इसके अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए हैं जिसके अंदर ऐप स्विचर के ऑप्शंस हैं। अगर आप अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐप वगैरह यूज़ कर रहे हैं, आप उसे सिर्फ क्लिक करके और हल्का सा विगल करेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे, तो वो सेकंड स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके अलावा जो आपका कीबोर्ड है उसके अंदर डेडिकेटेड बटन्स हैं स्वैप करने के, कि आप अगर टॉप स्क्रीन पे जो आपकी मेन 14 इंच की स्क्रीन है उस पर कोई काम कर रहे हैं और अपने नीचे कोई रेफरेंसेस वगैरह खोले हैं स्क्रीन पैड प्लस के ऊपर, तो आप एक बटन प्रेस के ऊपर उन दोनों को स्वैप कर सकते हैं। नीचे वाली स्क्रीन ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली स्क्रीन के कंटेंट्स जो है वो नीचे आ जाएंगे, जो कि बहुत ही हेल्पफुल फीचर है। ASUS इसे विंडो फ्लिक का नाम देता है। पिछली जनरेशन के मुकाबले में इस जनरेशन में स्क्रीन पैड प्लस के साथ जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया गया है, क्योंकि पिछली जनरेशन में अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर जो स्क्रीन है वो बिल्कुल ही फ्लैट थी। इसके अंदर जो है वो एर्गोलिफ्ट जो ASUS की टेक्नोलॉजी है, जो कि आप जैसे ही अपनी स्क्रीन खोलते हैं तो आपकी जो इसकी चेसी है उसको वो लिफ्ट कर देती है ताकि वो कूलिंग प्रोसेस बेहतर हो सके। तो इसमें ही इनका जो हायर वेरिएंट आता था जो कि 15 इंच का है, जो कि ASUS ZenBook Duo Pro के नाम से आता है, उसके अंदर उन्होंने टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा दी थी। लेकिन अब सेकंड जनरेशन जो UX 482 आया है, इसके अंदर इन्होंने जो 14 इंच का वेरिएंट है इसके अंदर भी इन्होंने वही टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करा दी है। जैसे ही आप इसके लिड ओपन करते हैं तो ये आपको 145 डिग्री तक का एंगल प्रोवाइड करता है, जो कि एर्गोलिफ्ट के साथ आता है और एर्गोलिफ्ट जो है इसकी वेंटिलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और अगर आप स्क्रीन पैड प्लस की बात करें तो वो भी 7 डिग्री तक एलिवेट हो जाता है, जिससे व्यूइंग एंगल्स बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। इस वेरिएंट के अंदर ASUS ने जो चीज़ें इंप्रूव करी हैं उसके अंदर साउंड भी है। इसके अंदर ASUS ने हरमन गार्डन का साउंड स्पीकर यूज़ करें, जो कि आपको बहुत ही अच्छा साउंड देते हैं, बहुत ही रिच साउंड आता है हरमन गार्डन के स्पीकर से। ASUS ने इस लैपटॉप को बहुत ही विग्रस टेस्टिंग से गुजारा है, जो मिलिट्री ग्रेड की टेस्टिंग होती है, जिसके अंदर ह्यूमिडिटी टेस्ट, वाइब्रेशन टेस्ट, एल्टीट्यूड टेस्ट, हाई टेम्परेचर टेस्ट, शॉक टेस्ट, लो टेम्परेचर टेस्ट, ये सारे ही टेस्ट किए गए हैं और ये मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड लैपटॉप है। इस लैपटॉप के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री एडोब की क्रिएटिव क्लाउड की भी सब्सक्रिप्शन कुछ टाइम के लिए दी जाती है। थंडरबोल्ट 4 की पोर्ट के थ्रू आप इस लैपटॉप से 8K 60 हर्ट्ज का आउटपुट आप ले सकते हैं। इस लैपटॉप में आपको 65 वाट का चार्जर दिया गया है, जो कि आपके लैपटॉप को बहुत ही फास्ट चार्ज करता है और आपका लैपटॉप ऑलमोस्ट 2 आवर्स के अंदर फुली चार्ज हो जाता है। और इस लैपटॉप की एक अच्छी बात ये भी है कि आप इसे किसी भी पावर बैंक के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं, बशर्ते कि वो 60 वाट या 65 वाट की पावर डिलीवरी प्रोवाइड करे। ASUS आपको इस लैपटॉप में सिर्फ और सिर्फ SSD चेंज करने का ऑप्शन देता है, जो कि 1 TB बिल्ट इन आती है, आप इसे 2 TB तक मैक्स आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो रैम है वो बिल्ट इन आती है, उसे आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ASUS ने अपने अलग अलग वेरिएंट्स निकाले हैं जिसके अंदर 8 GB, 16 GB और 32 GB के आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। अभी आपकी चॉइस है कि आप 16 GB लेना चाहते हैं, 8 GB या 32, तो आपको अपनी नीड के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से पहले से ही ये तय करना पड़ेगा कि आपको कौन सा वेरिएंट बाय करना है। स्क्रीन पैड प्लस को एकोमोडेट करने के लिए इसके अंदर कीबोर्ड जो है उसे बिल्कुल ही नीचे धकेल दिया गया है, जो कि चिकलेट स्टाइल कीबोर्ड है, कम्फर्टेबल है बट क्योंकि बिल्कुल नीचे आ गया है, और आपका जो टच पैड है वो साइड में दे दिया गया। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो इसके अंदर ब्लूटूथ 5.0 डुअल बैंड के साथ आता है और वाईफाई 6 जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसे लगाया गया है। SD कार्ड रीडर की अगर हम बात करें तो ये चीज़ है जिसे पिछली जनरेशन के मुकाबले में डाउनग्रेड किया गया है। पिछली जनरेशन में जो SD कार्ड स्लॉट लगाई गई थी उसमें एक GB का एक पिक्चर का फोल्डर जो है ट्रांसफर करने में तकरीबन 13 सेकंड जाते थे, जबकि इस वेरिएंट के अंदर जब हम 1 GB का पिक्चर का फोल्डर कॉपी करते हैं तो उसमें तकरीबन 41 सेकंड जाते हैं, जो कि पिछले जनरेशन के मुकाबले में 3 गुना स्लो है। वेल कलर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 100% sRGB कलर दिए जाते हैं, जबकि 65% एडोब RGB कलर प्रोवाइड किए गए हैं। स्क्रीन पैड प्लस की अगर हम बात करें तो इसमें एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये भी दिया गया है कि आप सिर्फ अपनी जो ये 3 फिंगर्स हैं इसे आप स्क्रीन पैड प्लस के ऊपर रखें और आपके फिंगर रखते ही पूरी स्क्रीन पैड प्लस जो है वो एक जैंट टच पैड बन जाता है, जो कि यूज़ करने के लिए बड़ा
हैंडी रहता है। इसके अंदर जो AU ऑप्टोनिक्स का IPS डिस्प्ले पैनल लगाया गया है वो आपको बहुत ही रिच कंट्रास्ट और हाई डिटेल्ड कलर प्रोवाइड करता है। और ये रहे ASUS ZenBook Duo 14 UX 482 के कुछ बेंचमार्क रिजल्ट्स। ये लैपटॉप मल्टीटास्कर्स के लिए एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है जो कि पिछली जनरेशन से माइल्स अपार्ट इम्प्रूव्ड है। ये लैपटॉप एक मल्टीटास्किंग मॉन्स्टर है लेकिन इट कम्स विद अ हेफ्टी प्राइस टैग जो कि हर किसी के लिए अफोर्ड करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप ये लैपटॉप बाय करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके कोई सजेशंस या कुछ कमेंट्स हो इस लैपटॉप के बारे में या कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं और मैं डेफिनेटली आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।